रात के तकरीबन 1:30 बजे हैं। कमरे में घड़ी के कांटे टिक टॉक आवाज कर रहे हैं और उसी के सिंक में आयशा के फोन में बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। मैसेजेस हैं बर्थडे विश के, हाय आयशा हैप्पी बर्थडे, हाय आयू हैप्पी बर्थडे, लॉट्स ऑफ लव, और सामने जैसे मैसेजेस वैसा रिप्लाई। अगर किसी ने हाय आयशा हैप्पी बर्थडे लिखा, हाय वो नाम थैंक यू, अगर किसी ने इमोजीज डाले हैं तो एक आध दो इमोजीज थैंक यू, अगर किसी ने लंबा मैसेज लिखा है तो सामने पर्पल कलर का हार्ट का इमोजी, स्माइली और थैंक यू। पर ताज्जुब की बात यह थी कि जो इमोजीज वो यूज कर रही थी स्माइल वाले, उसका रिफ्लेक्शन उसके चेहरे पे नहीं था। मतलब इस बार तो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था कि कितने सारे लोगों ने उसको मैसेजेस भेजे हैं, कितने सारे दोस्तों ने इतनी अच्छी अच्छी और लंबी लंबी बातें लिखी है, उसके बावजूद भी ये दिल इतना मायूस क्यों? क्या था ऐसा जो उसे इस कंप्लीट डे पे इनकम्प्लीट सा महसूस करा रहा था? क्या था ऐसा जो उसे इस खुशी के माहौल में मायूस किए जा रहा था? पता नहीं क्या था। ये सब सोच ही रही थी आयशा, उतने में उसको फेसबुक से नोटिफिकेशन मिला, लुकबैक फीचर का नोटिफिकेशन, मेमोरी वाला, कि इसी दिन पे पिछले साल या उसके पिछले वाले साल आपने या फिर आपके दोस्त ने आपको टैग करके क्या पोस्ट किया था। जैसे नोटिफिकेशन उसने ऑन किया, सबसे पहली पोस्ट थी विक्रांत की, विक्रांत उसका एक्स बॉयफ्रेंड। लेट मी सी, उसने मुझे अनफ्रेंड तो नहीं किया है ना, ऐसा कहके विक्रांत के प्रोफाइल को विजिट करती है। भले ही उसने उसको अनफ्रेंड ना करके अनफॉलो कर दिया था ताकि विक्रांत की पोस्ट भी ना देखनी पड़े और वो अनफ्रेंड वाला यू नो ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन भी ना हो, उसकी वजह से उसने अनफॉलो तो किया था, पर कभी कभार वीक में एक आध दो बार वो उसके प्रोफाइल को विजिट करती थी और बंजारों की तरह यहां वहां सभी पोस्ट को चेक किया करती थी कि अनफ्रेंड तो नहीं किया या फिर उसकी जिंदगी में किसी नए इंसान की एंट्री तो नहीं हो गई है ना, इसलिए बस प्रोफाइल विजिट कर लिया। विजिट करने के बाद पता चला कि नहीं, अनफ्रेंड तो नहीं किया है, बट वेट, उसने उसने विश भी तो नहीं किया है। मतलब 3 साल हो गए, हर बार सबसे पहली बार उसने विश किया था, तो इस बार कैसे मिस कर गया? उसको याद नहीं था क्या? ऑफ कोर्स याद था, कोई बात नहीं, सुबह को नोटिफिकेशन आएगा तो उसको याद आ जाएगा और वो विश कर देगा। पर उसको तो विश करना चाहिए था ना, क्यों विश नहीं किया? इतनी इमोशनल हो रही थी तभी अंदर से दूसरी आवाज आई, ओ हेलो मिस आयशा, आपको अगर याद ना हो तो याद करवा देती हूं कि यू वर दी ओनली वन कि जिन्होंने ब्रेकअप किया था, आपने ही गुस्से में उसको कह दिया था कि आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना, कभी सामने से मैसेज मत करना, कॉल मत करना, और अगर किया तो पता है ना सब गाली गलौज, याद है ना? अब क्या हुआ, बर्थडे के दिन पे अगर उसने विश नहीं किया जो कि आप ही की विश थी तो बुरा लग रहा है? हाँ क्या ये सब? सामने से दूसरी आवाज आई कि हाँ ठीक है ना, बातचीत करने के लिए ना बोला था पर बर्थडे तो विश कर सकता है ना। आयशा प्लीज ग्रो अप, इट्स ओवर, अब सो जाओ। खुद को ऐसे मनाया, फोन को साइड में रखा और सोने की तैयारी। जैसे ही फोन साइड में रखा, लाइट्स बंद की, तभी आयशा के फोन में एक मैसेज आया। मैसेज किसी अननोन नंबर से था पर नंबर जाना पहचाना सा था। मैसेज था, दरवाजा खोलो मैं गैलरी में खड़ा हूं। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने था वो खड़ा, विक्रांत। ए नकचड़ी इधर आ, पास में बुलाया, झप्पी दी और कहा हैप्पी बर्थडे, आई एम सॉरी थोड़ा लेट हो गया, इतना कहा और आयशा रो पड़ी। उसको चुप कराते हुए विक्रांत ने सिर्फ इतना कहा कि आयु माना कि हमारे बीच रिश्ता पॉसिबल नहीं है, तुम्हें लगता है और कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूं कि फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, तो ये रिश्ता टूट जाना ही सही है, पर हम इतने भी तो बुरे नहीं ना कि एक दूसरे को विश ना कर पाए, तो बस विश करने के लिए आ गया, चल चलता हूं, अपना ख्याल रखना और अगर कोई जिंदगी में आ जाए तो बता देना, तुम्हें तो पता होगा ही, बहुत स्टॉक करती हो ना मुझे, सब जानता हूं मैं, ख्याल रखना अपना। यू नो इंसान सही ना हो ना
उसके बावजूद भी कभी कभार हमें रिश्ते निभाने पड़ते हैं। यहां तो इंसान सही है, बस वक्त गलत है। पर उसका मतलब क्या यह हुआ कि वो रिश्ता गलत है? नहीं ना, हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती है। पर कभी कभार अपनों के खास दिन पे किसी को ऐसे विश कर देना, वो तो हमारे हाथ में होता है ना। सो समटाइम्स इट्स ओके, ठीक है, ठीक है। देखिए, एक्स का मैसेज आता है या नहीं आता, आपकी लाइक जरूर आनी चाहिए इस वीडियो पे, और उसके साथ साथ कमेंट में आपकी कहानी भी आनी चाहिए कि जब एक्स का मैसेज आया था तब आपका हाल क्या था, या फिर जब मैसेज नहीं आया था या आपने नहीं किया था तो आपका हाल कितना बेहाल था, या फिर जो भी आप कहना चाहे अपने एक्स को, अच्छी बात है ना, गालियां नहीं। सो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स वो सारी कहानियों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर ये कहानी पसंद आई है तो, अगर ऐसी